आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ फरजाना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत शपथ लेंगे और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर होने वाला शपथ ग्रहण समारोह इतिहास रचेगा। यूपीए के महागठबंधन की सियासी आभा गुलाबी शहर में नजर आएंगी। जयपुर से देश भर में गैर भाजपाई विचारधारा के खिलाफ महागठबंधन की एकता का संदेश जाएगा, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी। हिंदी भाषी क्षेत्र के 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता को मजबूती दे दी है। अशोक गहलोत की ताजपोशी का समारोह विपक्षी एकता की नवीन छटा बिखेरते नजर आएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आमंत्रण पर देश की सियासत के दिग्गज आज जयपुर के ऐतिहासिक अलर्ट हॉल की जाजम पर एक साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन की एकता को अल्बर्ट हॉल पर प्रदर्शिता किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जयपुर में विपक्ष के दिग्गज बधाई देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम इतिहास रचेगा। पहली बार अल्बर्ट हॉल से अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाषाई सीमा लंग विपक्षी महाकुंभ में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ गुलाबी शहर से पारदर्शी होगी एकता। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के खिलाफ यह समारोह प्रतीक बनेगा। अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े ओबीसी और गांधीवादी नेताओं में उनकी गिनती होती है। सेकुलर पॉलिटिक्स को केंद्र में रखकर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है। यूपी, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्य हैं जहां उन्होंने बतौर संगठन और चुनाव प्रभारी के तौर पर काम किया है। लोकसभा में विपक्ष के हमारे नेता मल्लिकार्जुन जी खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के महासचिव एवं राजस्थान के मेहनतकश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी शामिल होंगे। लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला जी। मध्य प्रदेश में आपने देखा दोनों दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बिना किसी शर्त के हमें समर्थन दे, मुद्दों पर, विचारधारा पर हमारे साथ वो खड़े हैं। आपने भी देखा अभी इसी हफ्ते देखा जब प्रतिक्रिया है और आगे भी आपको ऐसे उदाहरण दिए कि जनता तक आपने हमारी सकारात्मक बात पहुंचाई। राजस्थान की जनता ने सदैव सकारात्मक राजनीति का स्वागत किया है। बात पहुंचाने के लिए और बड़ी सशक्त तरीके से आपने जो जो बात हमारी पहुंचाई उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जुबान का प्रयोग किया आज इस मंच से, मैं ज्यादा नकारात्मक बात नहीं करना चाहता लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, उससे कई राजनीतिक दल भी बार बार उनको अपने वोटर्स के सामने जाना होता है। तमाम हिंदुस्तान की जनता बड़ी उसके मन में रोष है, इस तरह की जुबान प्रधानमंत्री को शोभा नहीं। ट्विटर हैंडल पीएमओ आज के ट्वीट उठाकर देखेंगे, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की जुबान, इस तरह की सोच का परिचय नहीं दिया। तो ऐसे में जो जो राजनीतिक दल ये सोचता है कि वाकई लोकतंत्र खतरे में है, वाकई देश की जो राजनीति की मर्यादा है वो खतरे में है, गरिमा जो खतरे में है, शुचिता खतरे में है, वो सब लोग चाहते हैं कि इकट्ठे हो और लोकतंत्र की रक्षा वो कर सके। विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राजेश ठाकुर के पास, जो अभी राजस्थान में मौजूद है। राजस्थान में लगातार 3 दिनों तक चले मुख्यमंत्री नाम के ऐलान को लेकर आखिरी मामला सुलझ गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। मामला दिल्ली दरबार पहुंचा और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार अशोक गहलोत के नाम की मोहर लगा दी। अब अशोक गहलोत होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट होंगे उप मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत कल राजस्थान जयपुर पहुंचे,
राजभवन में राज्यपाल से मिलने के बाद जब अपने निवास स्थान पर पहुंचे, वहां बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ता इतनी तादाद में थे कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। फिलहाल सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ अशोक गहलोत लेंगे, लेकिन तब तक राजस्थान जयपुर में, क्योंकि राजस्थान की राजधानी भी है, यहाँ कार्यकर्ताओं का बधाई देने का तांता लगातार बना हुआ है। कैमरामैन एल आर वर्मा साहब, राजेश ठाकुर, नेशनल इंडिया न्यूज, जयपुर, राजस्थान। नेशनल इंडिया न्यूज में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।